के अध्ययन में हम लोग प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में जानेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर डायमैग्नेटिक और यहाँ पर क्या है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। अगर बात करें तो ये अपने नाम से ही परिचय दे रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर इस प्रकार के हम लोग सबस्टेंसेस पदार्थ को रखेंगे तो यहां पर क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, राइट। अनुचुंबकीय, जब इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा अनुचुंबकीय, यानी कि चुंबक की ओर क्या होगा खिंचाव होगा, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ये बात आपको समझ में आई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, अब यहां की बात करें तो ये कैसा पदार्थ होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप रखेंगे तो दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स जरूर उत्पन्न होगा। यहां पे लिख सकते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, दुर्बल आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, राइट, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चलिए, अच्छा, अब ये ऐसा जो गुण होता है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, कहते हैं कि जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने क्या कहा, अयुग्मित, ये बात समझ में आ रही है आपको, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं होते, राइट, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और अनुचुंबकीय की बात करें इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रचुंबकीय इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जैसे NaCl है, Zn डबल प्लस है, Cu2 है, V2O3 है, तो ये प्रचुंबकीय होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं अनुचुंबकीय। चलिए, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अब हम लोग जानेंगे फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में।